ઉનાના કોંગ્રેસી ધારાસભ્ય પુંજાભાઈ વંસે ઉનામાં કથળતી કાયદો વ્યવસ્થા, ગેરકાયદેસર ચાલતું ખનન, દારૂના હાટડા અને ઉનામાં થયેલા ફાયરિંગને લઈને ગીર સોમનાથના એસપીને આપ્યું આવેદન। આવેદન બાદ યોજી પીસી। ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉનાના ધારાસભ્ય પુંજાભાઈ વંસ દ્વારા ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ ત્રિપાઠીને आवेदनपत्र आपवामां आव्युं हतुं। आवेदनपत्र आपवा पाछळनो तेमनो उद्देश उना तालुकानी अंदर कथळती कायदो अने व्यवस्थानी स्थिति बाबते पोलीसने ताकीद करवानो हतो। तेमनुं कहेवुं हतुं के जूनागढ़ पोलीस रेंजमां नवा आईजी आव्या बाद उना तालुको केन्द्रशासित प्रदेश दीव अने दमणनी नजीक आवेलो होय त्यारे लॉकडाउन दरमियान दारूनी हेराफेरी ए सामान्य बनी छे। તેમજ ખનીજ ચોરી, રેતી ચોરી, ગેંગ બનાવી શહેરની અંદર ફરતા ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ કરતા ઈસમો વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવા પુંજા વંસ દ્વારા પોલીસને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું। તો બીજી તરફ ગત તારીખ 28/5/2020ના થયેલા ઉનામાં ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ઉના નગરપાલિકાના પ્રમુખ કેસી રાઠોડ પર થયેલ ફાયરિંગને લઈને પણ ધારાસભ્ય પુંજાભાઈ વંસે પોલીસ અને સરકાર પર આરોપો લગાવ્યા હતા के गुजरातभर में अनेक जगह फायरिंग सहित अनेक बनावों बनता होय छे, परंतु उना फायरिंग में तात्कालिक धोरणे सिटी कमिटी की रचना करवामां आवी ते मारी समझ बहार छे। तेमज फायरिंग प्रकरण में पोताने संडोवामां आवी रह्या छे त्यारे एसआईटी द्वारा एफआईआर में नाम पण न होय छतां 4 वखत समन्स आपी अने कलाको सुधी पोतानी पूछपरछ करवामां आवी रही छे। साथे सामा पक्षे फायरिंगनी घटनामां 3 लोको घायल थया हता, जेमा एक व्यक्तिने गोरी आरपार थई होवा छतां पोलीस फरियाद पण बहु लांबा दिवसों बाद लेवामां आवी अने फरियाद लीधा बाद पण आरोपीओ खुल्लेआम फरी रह्या छे। पोलीसनी कामगीरी सामे पण अनेक सवालो ऊभा थता होवानुं पुंजा वंसे जणाव्युं हतुं। पायल बापणिया, जेडेस टीवी, उना। दारू असामाजिक प्रवृत्ति दीव मांथी तो हवे लॉकडाउन छे छतां पण अटाणे गाड़ीओ मार्फत दीव मांथी विदेशी दारूनी हेराफेरी थाय छे अने ज्यारथी लॉकडाउन आव्युं छे त्यारथी देशी दारू ग्राम्य विस्तारनी अंदर बेफामपणे अटाणे खुल्लम खुल्ला एना हाटडाओ चालू थई गया छे एम कहूं तो पण खोटुं नथी। आ तमाम प्रकारे एसपीसी ने रजूआत करी थी अने मैं ए वखते एसपीसी ने बहुत स्पष्टपणे कीधुं के अगाऊ आईजी ज्यारे अहींया हता, हूँ नाम न भूलतो हो तो सुभाष त्रिवेदी ज्यारे हता त्यारे जूनागढ़ जिल्लो अने गीर सोमनाथ जिल्ला में संपूर्णपणे असामाजिक तमाम प्रकारनी असामाजिक प्रवृत्ति पर ब्रेक हती। नानी सूनी त्यां खानगीनी अंदर नानुं मोटुं चालतुं होय पण 80% संपूर्णपणे गैरकायदेसर खनन होय, रेती चोरी होय के दारू होय के विदेशी दारू होय कोईपण प्रकारनी असामाजिक प्रवृत्ति पर ब्रेक हती। पण एक आईजीनी बदली थई गया पछी पाछुं धीमे 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 भूतकाळमां जे चालतुं हतुं एम पाछुं राबेता मुजब चालू थई गयुं छे। आवी वात अमे एसपीसी ने आज 15-20 दिवस पहला रूबरू जईने करी थी। साहेबे अमने आश्वासन आप्युं हतुं कड़क हाथे काम लेशुं, पछी पण कोईपण प्रकारनी कामगीरी जे थवी जोईए ए थई नथी। आजे पण देशी दारूना हाटडाओ बेफाम रीते चाले छे, ग्राम्य विस्तारमां असामाजिक प्रवृत्ति चाले छे अने गैरकायदेसर खाण खोदकाम जे छे ए पण बेफाम चाले छे। विना बे रोकटोक रात्रिना 10 वाग्या पछी रेती चोरीनो धंधो आजे पण सवारे वेली रात्रिना 10 वाग्याथी लई अने वेली सवारे 4 वाग्या सुधी आजे पण चाले छे अने आवेदनमां पण जणाव्युं छे अने आजे आ तमाम बाबतोने लई अने अमे एसपी साहेबने रजूआत आ बाबते करी छे अने गई 28 तारीखे जे महत्वनो जे मुद्दो जे छे आवेदनपत्र अने आज रूबरू मळवानो महत्वनो मुद्दो ए छे के 28 तारीखे उना शहेरमां फायरिंगनो बनाव बनेलो अने ए फायरिंगनो बनाव बन्यो त्यारे सामसामे मारामारी थयेली, सामसामे फायरिंग थया अने ए फायरिंगमां अमुक लोको घवायेला जे राजकोट गया छे। बीजा दिवसे एक फरियाद लेवामां आवे छे जे फरियादनी कॉपी पण मारी पासे छे अने ए फरियाद उनाना नगरपालिकाना प्रमुख केसी राठोड द्वारा फरियाद दाखल करवामां आवे छे। फरियाद दाखल थाय छे, फरियाद दाखल थया पछी पोलीस डिपार्टमेंट द्वारा विभाग द्वारा तात्कालिक एसआईटी नी रचना करवामां आवे छे। एसआईटी नी रचना करवानी फरज शा माटे पड़ी ए हजी सुधी हूँ समझी सकतो नथी अने मने एम लागे छे के आ गुनानी अंदर मने पण फसावा माटे एसआईटी द्वारा 4-4 વખત સમક્ષ પાઠવવામાં આવેલા અને એ સમક્ષને આધારે હું પોલીસ સમક્ષ હાજર થયો, કલાકો સુધી મારી પૂછપરછ કરી, મેં પોલીસને સંપૂર્ણ તપાસમાં સહકાર આપ્યો। એક બાજુ એફઆઈઆરમાં મારું નામ ક્યાંય નથી, છતાં મને એસઆઈટી બોલાવરા